लोगों के खेल के चक्कर में जान ले चुके पबजी गेम पर कई देशों में पाबंदी लगा रखी है। लेकिन इसका क्रेज इतना ही छोटा हो या बड़ा, जिसको इसकी एक बार लत लग जाए उसकी लत आसानी से छूटती ही नहीं। मुरादाबाद के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 7 और 8 के छात्र पबजी गेम के इतने दीवाने हैं कि वो गेम में इस्तेमाल होने वाले पिस्टल व चाकू लेकर क्लास में पहुंच गए। क्लास में पढ़ने वाले अन्य बच्चों ने जब इन 5 बच्चों के पास तेज धार वाले चाकू व बिल्कुल असली नजर आने वाली पिस्टल को देखा तो वह घबरा गए और उन्होंने शोर मचा दिया, जिस पर टीचर ने पूरी जानकारी की और बच्चों के पास चाकू व पिस्टल देखकर स्कूल के प्रिंसिपल को सूचना दी। प्रिंसिपल ने बच्चों को ऑफिस में बुलाया और जब उनके पास तेज धार वाले चाकू और बिल्कुल असली नजर आने वाली चाइनीज पिस्टल देखी तो एक बार तो वह भी घबरा गए। लेकिन जब उन्होंने बच्चों से पूछा कि यह सामान कहां से आया है तो बच्चों ने बताया कि पबजी गेम में इस तरह का सामान इस्तेमाल होता है और उसी को देखकर उन्होंने यह पिस्टल और चाकू खरीदा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाया और अनुशासन समिति से छानबीन कराकर एक हफ्ते के लिए बच्चों को स्कूल से निष्कासित कर दिया है। सर ये बताइए, जो पबजी गेम के शौक में कुछ बच्चे बताया जा रहा है स्कूल में कुछ हथियार ले आए थे, तो क्या पूरा मामला है और कितने ये बच्चे थे जिनको निष्कासित किया गया स्कूल से? कल कुछ बच्चों ने हमें रिपोर्ट किया कि कुछ बच्चे 7वीं 8वीं के आपत्तिजनक स्कूल में चीज़ लेके आए हैं, तो तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए अनुशासन समिति को कक्षा के औचक निरीक्षण हेतु भेजा गया। कुछ देर बाद वो अपना 2 चक्कू और साथ में चेन वगैरह को लेके आए और एक उसमें चाइनीज पिस्टल गन भी थी जो कि खिलौना गन थी। तो ये सब बच्चों पे पबजी और जो सोशल मीडिया है उसके कुप्रभाव पड़ रहे हैं बच्चों पे। ये इसमें 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे संलिप्त पाए गए हैं। इसमें 5 बच्चों को समिति द्वारा संलिप्त पाया गया है। कितने दिनों के लिए इनको बैन किया गया? सर इनको फिलहाल डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स के अंडर इनको 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है और विद्यालय प्रशासन इस बात के लिए भी सतर्क है कि इस प्रकार की कोई और अप्रिय घटना ना हो। मेरा समस्त पेरेंट्स से अभिभावकों से इस बात से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को इस कुप्रभाव से बचा के रखें, उनके प्रति सतर्क भी रहें। बच्चे हमारे आने वाले भविष्य हैं, उनके प्रति सतर्कता बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के पबजी और सोशल मीडिया पे जिस प्रकार के गेम चल रहे हैं उनसे बचा के रखना हमारी ही नैतिक जिम्मेदारी है। सर एक पिस्टल नहीं है, वो खिलौना गन है और साथ में 2 चाकू मिले हैं और एक चेन भी मिली है जो नॉर्मली विद्यालय में वर्जित है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।